Redmi Note 11 सीरीज। आई नो आप भी लोग काफ़ी टाइम से इसका वेट कर रहे हो और वेट करना भी चाहिए, क्योंकि Redmi हर बार अपने Note सीरीज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूर करता है। और गाइज कुछ टाइम पहले जब Redmi की Note 11 सीरीज चाइना में लॉन्च हुई थी तो उसको लोग ये एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि यही स्मार्टफोन सीरीज आपको ग्लोबली Redmi Note 11 सीरीज के नाम से देखने को मिलेगी। बट गाइज हाल ही में कुछ न्यूज़ के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन सीरीज तो आपको Mi 11 i सीरीज के नाम से लॉन्चेस देखने को मिलेंगी, जो कि आपको इंडिया में और ग्लोबली भी इसी नाम के साथ जाने वाली है। तो अब इंडियन Redmi Note 11 सीरीज का क्या, जो आपको इंडिया में लॉन्च देखने को मिलेगी? तो गाइज कुछ दिनों पहले Redmi का एक न्यू स्मार्टफोन Redmi Note 11 Pro के नाम से इंडिया के BIS पर सर्टिफाइड हुआ था। और गाइज यही स्मार्टफोन अब IMEI डेटाबेस पर लिस्टेड हुआ है, जिसके ऊपर हमारे टिप्सर मुकुल शर्मा ने ट्वीट किया था। और गाइज क्या कुछ इसके लॉन्च डेट और क्या कुछ इसके स्पेक्स होने वाले हैं और कितनी रेंज के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तारीख पर तारीख। तो गाइज फाइनली Redmi Note 11 सीरीज जो आपको इंडिया में देखने को मिलेगी, इसके लॉन्च से रिलेटेड काफ़ी बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है काफ़ी बड़े सोर्स से। गाइज हाल ही में पता चला है कि यह स्मार्टफोन सीरीज आपको दिसंबर में कंफर्मेशन के साथ लॉन्च होती हुई दिख जाएगी, और साथ में Redmi Note 11 Pro Max हाइयर वेरियंट होगा इस सीरीज के अंदर। इसकी प्राइसिंग आपको अराउंड 22,000 में देखने को मिलेगी, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, और साथ में काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर भी देखने को मिलेंगे इसके अंदर। तो बात करें इसके फीचर्स की, तो गाइज इसके डिस्प्ले से शुरुआत करें तो इसके अंदर आपको 7 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने मिलेगी। इसमें आपको 120Hz का पैनल तो दिया ही जाने वाला है, साथ में आपको HDR 10 प्लस के सर्टिफिकेशन के साथ भी देखने मिलेगी, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर आपको रियर के अंदर 108MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने मिलेगा, जो कि काफ़ी कमाल की बात है, जो हम ऑलरेडी Note 10 Pro Max के अंदर भी देख चुके हैं। साथ ही में आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड और 22MP के डेप्थ और मैक्रो सेंसर भी मिलने वाले हैं। वहीं Redmi की तरफ से सेल्फी के लिए आपको 16MP का कैमरा प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही में इसके अंदर आपको 5000mAh की बैटरी प्लस 120W की सुपर फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिलेगी, जो अपनी रेंज के अंदर पहला स्मार्टफोन होगा जिसके अंदर आपको इतनी कम रेट के अंदर इतनी सुपर फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की जा रही है। वहीं गाइस डिस्प्ले कैमरा के बाद हम बात करें इसके प्रोसेसर की, तो इसमें भी ये स्मार्टफोन टॉप नॉच होने वाला है। इसके अंदर आपको स्नैपड्रैगन 750G का 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो आपको इंडिया में 5G के साथ आने वाला है, जिसमें आपको मल्टीपल 5G का बैंड्स का सपोर्ट तो देखने को मिल ही जाएगा। साथ ही में इस प्रोसेसर के अंदर आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग भी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आप काफ़ी अच्छी गेमिंग भी कर सकते हो। तो गाइज ये थी Redmi Note 11 Pro Max की डिटेल्स, उम्मीद आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिलहाल इस वीडियो इतना ही, ओके बाय एंड टेक केयर।